हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड 25th ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया रिलायंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल एट रिकॉर्ड हाई ऑफ एटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री तो गवर्नमेंट ने दो में टारगेट सेट किया था टारगेट यह सेट किया था कि दो तक जो हमारी डिपेंडेंस है जो इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर हमारी रिलायंस है इसको हमें सिक्सटी सेवन परसेंट करना है उस समय सेवेंटी सेवन परसेंट थी दो हज़ार तेरह चौदह में और ये कम होने की विपरीत इंक्रीज़ हो चुकी है और ये हो चुका है एटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट अब क्यों इंक्रीज़ हुआ है तो रीज़न यहाँ पर सिंपल है जो डिमांड है फ्यूल की ये इंक्रीज़ हुई है आठ अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन तो ये यहाँ पर स्टैगनेंट रहा है और जो डिमांड है लगातार इंक्रीज़ हुई है जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल है ये रिकॉर्ड हाई पर पहुँच चुका है एटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट तो राइजिंग डिमांड फॉर फ्यूल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अमिट फ्लैगिंग डोमेस्टिक क्रूड ऑयल आउटपुट हैज़ रिजल्टेड इन इंडियाज रिलायंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल इंक्रीजिंग टू अर रिकॉर्ड एटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ डोमेस्टिक कंज्पन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फिर यह बताया गया है कि दो हज़ार अट्ठारह उन्नीस में एटी थ्री पॉइंट एट परसेंट था फिर दो हज़ार उन्नीस बीस में एटी फाइव परसेंट दो हज़ार बीस इक्कीस में एटी फोर पॉइंट फोर परसेंटें एंड हम देख रहे हैं कि जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर ये लगातार इंक्रीज हुई है जबकि गवर्नमेंट का टारगेट था कि जो हमारा रिलायंस है ऑन ऑयल इम्पोर्ट इसके ऊपर डिपेंडेंस हमको कम करनी है सिक्सटी सेवन परसेंट करना है दो हज़ार बाईस तक तो कम तो नहीं हुआ लेकिन इनक्रीज़ जरूर हो गया है हाउ एवर जो भी यहाँ पर एफर्ट्स किए गए उसका रिजल्ट हमको नहीं मिला क्यों क्योंकि डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पर स्टेगनेंट रही लेकिन डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती गई नेक्स्ट है जजेस कांट गिव इंटरव्यूज ऑन केसेस दे आर हेयरिंग अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम स्किप कर देते हैं नेक्स्ट रीस्ट्रेंड नीडेड बट सुप्रीम कोर्ट लेफ्ट पार्लियामेंट ग्रोपिंग इन द डार्क ये हम देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की ज़रूरत थी बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए था लेकिन अब पार्लियामेंट यहाँ पर कोई लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट को नहीं पता होता है कि जब इसका रिव्यू होगा तो क्या इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा तो ऑन द फिफ्टीथ ईयर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जिसने ये कहा कि कोर्ट के पास पावर है कोर्ट यहाँ पर रिव्यू कर सकती है और जो पार्लियामेंट की पावर थी कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है तो पार्लियामेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है तो इन अ इंटरव्यू वेणुगोपाल हैज सेट दैट द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर है और जिसकी वजह से जो एनजैक यहाँ पर लाया जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इसको यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है तो बात यह है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ लाती है या पार्लियामेंट कोई भी सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश करती है तो पार्लियामेंट को नहीं पता होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू करेगा तो क्या इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा तो दे फोर आई वुड पिटी पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट वुड नॉट नो इन एडवांस इफ दे आर थिंकिंग ऑफ अ सोशल रिफॉर्म एंड इस सोशल रिफॉर्म की बात करें तो क्या ये स्टैंड कर पाएगा द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट और नॉट देर फोर प्रोसीजर फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्सेशन लॉस की बात करें तो टैक्सेशन लॉस को लेकर यहाँ पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है ना कि अगर आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप पहले से पता कर सकते हो कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा तो वैसे ही यहाँ पर लॉ को लेकर भी होना चाहिए ये नहीं कि यहाँ पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उसके बाद यहाँ पर स्टेट की रेटिफिकेशन भी ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दे ये कहते हुए कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है देयर फॉर अनलेस यू हैव अ प्रोसीजर फॉर एडवांस रूलिंग एज यू हैव ऑन टैक्सेशन लॉज द रिजल्ट इज द पार्लियामेंट विलोपिंग इन द डार्क एंड देयर फॉर दे विल टेक अर रिस्क एंड से दैट लुक वी वॉन्ट दिस लॉ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल बट इफ द कोर्ट वॉन्ट्स टू इंटरफेयर देन देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के पास भी यहां पर प्लेनरी एमेंडिंग पावर्स नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर भी रिस्ट्रेंट होना चाहिए और इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्शन की जरूरत भी है तो ये भी बात इन्होंने कही है कि इट वॉज नेसेसरी दैट सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रेंट हैड टू तो बी प्लेस्ड ऑन पार्लियामेंट नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ लोग यहाँ पर मेल करते हैं कि यहाँ पर कुछ पेजेस को स्किप कर दिया जाता है तो आपको इसमें क्या पढ़ाना है कि यहाँ पर एजुटेशन हुआ उसमें पीएचडी स्कॉलर मास्टरमाइंड था ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ठीक है आगे हम चलते हैं यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सुडान इवैक्यूएशन ऑपरेशन बेंगिस्व हंड्रेड इंडियंस बोर्ड नेवी शिप तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है लॉन्च किया गया है ऑपरेशन कावेरी तो बस ऑपरेशन कावेरी पता होना चाहिए और बाकी सुडान में यहाँ पर लोग फंस गए हैं तो उनको निकाला जा रहा है क्यों यहाँ पर स्टैंड हो गए तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी है जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका यहाँ पर रेगुलर आर्मी के साथ फाइटिंग चल रही है अब क्यों चल रही है तो बेसिकली हर कोई यहाँ पर पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है सूडान में 2019 में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई थी एंड मल्टीलिटरल जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा भी था कि सूडान में डेमोक्रेसी आ गई सब ने उसको वेलकम किया था लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी हो चुकी है तो ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी अभी हम चलते हैं आगे इंडिया चाइना टॉक्स सेट स्टेज फॉर एस मीट तो आपको एस के मेंबर्स पता होने चाहिए एस की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है इस बार और बाकी राइट जो है ये भी एस सी यू का है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अब बेसिकली इनका ये कहना है कि अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस इलेक्टेड तो होते नहीं हैं ना ही इनकी कोई कॉन्स्टिटुंसी होती है एंड जो जजेस होते हैं ये एलिटेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं और जिसकी वजह से जो लोगों की पल्स है ये इनको नहीं पता होती है ये एक बात जरूर हो सकती है तो देयरफॉर इट म नेसेसरीट सम सॉट ऑफ री स्टेंट हैड टू बी प्लेस्ड ऑन पार्लियामेंट एंड जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्शन लाई जाती है सपोज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर डेनिस्टिक रूल जाता है और वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज कर देता है तो देन वॉट वुड हैपन तो उसके लिए यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्शन तो होनी चाहिए यह बात बिल्कुल सही है लेकिन अगर हम जजेस के अपॉइंटमेंट देखें तो जजेस का जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है जैसे कि यहां पर कलेजियम सिस्टम है तो कलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व होकर आया है तो सुप्रीम कोर्ट्स ने यहां पर खुद को ही बहुत ज्यादा पावर दे दी है बेसिकली जजेस ने खुद को ही पावर दे दी है बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए और जो एग्जीक्यूटिव की से है ये बिल्कुल खत्म हो गई है तो प्रॉब्लम रियली इज दिस इफ एन अमेंडमेंट अफेक्ट्स द जुडिशियरी तो डिसीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है और जुडिशियरी ने क्या किया जुडिशरी ने यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप जो पावर अपॉइंटमेंट की खुद के पास रख ली हायर जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट्स में तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल वन ये जो अपॉइंटमेंट की पावर है ये अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट को देता है एंड जो प्रेसिडेंट है ये यहाँ पर एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हायर जुडिशरी में जो जजेस को अपॉइंट करने की पावर थी ये पावर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास थी लेकिन ये जो पावर है ये यहाँ पर जुडिशरी ने खुद के पास रख ली कैसे तो जजमेंट्स के थ्रू फर्स्ट जजिस केस होता है सेकंड जजेस केस होता है थर्ड जजेस केस होता है तो वही बात यहां पर कही गई है इनफैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जब डिबेट हुई थी तो उस समय यह कहा गया था कि ये जो कंसल्ट है इसको कंकरेंस कर देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस होनी चाहिए लेकिन उस समय डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मना कर दिया तो उनका यह कहना है कि एक पर्सन की कंकरेंस के बेसिस पर यह नहीं हो सकता क्योंकि वो जो पर्सन है उसके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस है ह्यूमन की जो कि हर ह्यूमन में होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी वही सारी स्ट्रेंथ होगी वही सारी वीकनेस होगी फिर कोई भी यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो इसीलिए कंकरेंस जगह यहां It down. Said he is only one और उनके पास भी वही वीकनेस और स्ट्रेंथ है जो की एक कि तीन तो जजेस हो जाएंगे आज बाकी एक लॉ मिनिस्टर हो जाएंगे और दो एमिनेंट पर्सन होंगे एक कमेटी अपॉइंट करेगी अभी जो कमेटी होगी उसमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते प्राइम मिनिस्टर के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते इसके अलावा यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन होते लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है तो उसके बाद जो अभी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इन्होंने ये सजेशन दिया था कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थ्री टू टू रख लो कि तीन यहाँ पर जजेस हो एक लॉ मिनिस्टर हो एंड एक यहाँ पर एमिनेंट पर्सन हो दो एमिनेंट पर्सन की बजाय तो आपके पास यहाँ पर मेजोरिटी रहेगी बस यहाँ पर जो दूसरे पर्सनस होंगे वो अपना व्यू तो रख ही सकते हैं लेकिन बेसिकली उस समय यहाँ पर कोर्ट शायद प्रिपेयर नहीं था और एन को यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया देर फोर यू शुड टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिस्पेक्ट वॉट पार्लियामेंट डस बिकॉज वॉट इज सेट इन अदर कंट्रीज इज़ दैट कि अगर हम यहाँ पर जुडिशरी की बात करें तो जो जजेस होते हैं ये एलिट्रस बैकग्राउंड से आते हैं उनको पल्स ऑफ द पीपल नहीं पता होती है दे लिसन टू अ लॉयर और लॉयर यहाँ पर मटीरियल प्रोड्यूस करता है तो ये इनका कहना है नेक्स्ट टू मार्क फिफ्टी ईयर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रूलिंग टॉप कोर्ट ने यहाँ पर एक वेब पेज लॉन्च किया है जिसमें केशवानंद भारती केस की बात की गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिंग की बात की गई एंड उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी कैसे जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की कोशिश की गई की गई थी वो सब यहाँ पर बताया गया जो कि एक बार हम देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे लॉन्च अ वेबसाइट जो कि डेडिकेटेड है टू द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस जजमेंट जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्टरी दी गई थी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चल पाया है कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में फीचर्स आते हैं जैसे कि डेमोक्रेसी फेडरलिज्म सेकुलरिज्म रूल ऑफ लॉ आर फंडामेंटल टू द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट इनको एमेंड नहीं कर सकती है केशवानंद भारती केस की ओरिजिन की बात करें तो केरला में यहाँ पर कुछ लॉज को लेकर आया गया था लॉज ये थे कि जिनके पास भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीलिंग से ज़्यादा लैंड है तो उनसे लैंड ले लिया जाएगा और लैंडलेस एंड पुअर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 1963 में यहाँ पर केरला गवर्नमेंट पास करती है केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो कि लिमिट्स लगाता है कि एक पर्सन के पास यहाँ पर कितना लैंड हो सकता है एक्ट प्रोवाइडेड कि जो भी यहाँ पर एक्सेस लैंड होगा उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा लैंडलेस और पुअर में इन 1970 सेवेंटी द गवर्नमेंट ऑफ केरला इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड हेल्ड बाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड उसके बीच में ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट होता है फिफ्थ अमेंडमेंट होता है ट्वेंटी नाइन्थ अमेंडमेंट होता है तो ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट यहाँ पर जो पावर है जुडिशरी की एंड जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का उसको लिमिट करने की कोशिश करता है उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजन के उसको यहाँ पर लिमिट करने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंट कर सकता है फिर यहाँ पर केशवनंद भारती केस आता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्शन आती है कि पार्लियामेंट यहाँ पर अमेंट जरूर कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंट नहीं कर सकती है नेक्स्ट हम चलते हैं आगे फैक्ट चेक यूनिट ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईटी रूल्स में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है और यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई है और ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये क्या काम करेगी तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर कंटेंट होगा उसको वे चेक करेगी कि कहीं ये फेक तो नहीं है और अगर फैक्ट चेक यूनिट को लगता है कि ये कंटेंट फेक है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को उस कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा ठीक है ये याद रखना है आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लर्निंग विदाउट डार्विन अब ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है क्योंकि एन की बुक्स का रैशनलाइजेशन हुआ है और रैशनलाइजेशन में जो डार्विन की इवोल्यूशन की थियोरी है उसको रिमूव करने की बात की गई है तो ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो और जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी बच्चे एक असेंशियल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड इंपार्टिंग साइंस एजुकेशन हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट मंथ ऑल्सो और क्या किया गया बेसिकली तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई और एनसीआर की बुक्स को रैशनलाइज किया गया क्यों रैशनलाइज किया गया तो उनका यह कहना है कि कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के बाद जो कंटेंट लोड है बच्चों के ऊपर ये कम करना है जिसकी वजह से यहाँ पर बुक्स का रैशनलाइजेशन हो रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर 2000 साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये नहीं माने जाने चाहिए और ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन को लेकर इसको रिमूव नहीं करना चाहिए तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर था तो उसमें से इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया तो एनसीआरमेंडेड इन मे ट्वेंटी सम स्वीपिंग रैशनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ हाई स्कूल साइंस टेक्स बुक्स ऑस्टेंसिबली टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन स्टूडेंट्स इन व्यू ऑफ द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक एनसीआर टी हेड जस्टिफाइड द रिकमेंडेशन स्टेटिंग दैट कि बेसिकली यहाँ पर कंटेंट लोड जब रिड्यूस होगा तभी बच्चे यहाँ पर क्रिएटिव माइंड माइंड सेट के साथ यहाँ पर लर्निंग कर पाएंगे तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि रेशलाइजेशन करो लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिलीट तो मत करो तो बच्चों में एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन नहीं आ पाएगा वॉट वी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व इट द एन सी आर टी हेज एक्सड चार्स डारवन एंड एवोल्यूशन जो कि नहीं करना चाहिए ऑथर का ये कहना है द आई कलेक्ट एंड फोकस लाइट एंड कन्वर्ट्स इट इंटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और उसके बाद ब्रेन इसको ट्रांसलेट करता है इंटू एन इमेज टुडेज चिल्ड्रेन आर इनकाउंटरिंग कंडीशन जो कि उनके पेरेंट्स ने नहीं देखी थी तो चेंज हो रहा है अब इस चेंज के साथ वो डील कर पाएं उसके लिए उनके पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना तो टू डिप्राइव स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग इवोल्यूशन इज टू डिप्राइव दैम ऑफ अ पावरफुल कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर ऑर्डर बताता है कोहरेंस बताता है हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में बताता है तो इस चैप्टर को डिलीट नहीं करना है ऐसा ऑथर का कहना है क्राइसिस इन खारतू तो यहाँ पर बात की गई सूडान की कि सूडान में यह क्राइसिस कैसे हो गई तो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी 2019 में और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी है काफी लोगों की जान जा चुकी है काफ़ी लोग इंजर्ड हो चुके हैं द has already led सूडान hundreds हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स एंड thousand थाउजेंड इंजरीज least वन इंडियन नेशनल यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है ओवर द years, न्यू Delhi यहाँ पर काफी अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल है यहाँ पर हम अपने लोगों को बाहर निकाल के ला पाए सूडान द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बहुत ज्यादा रिच इन रिसोर्सेज गोल्ड है fossil फ्यूल्स है geography इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है वर्ल्ड powers इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहते हैं द करेंट क्राइसिस इसको 2019 से ट्रेस बैक किया जा सकता है विन द थर्टी ईयर ब्रूटल डिक्टेटरशिप उमर अल बशीर वो स्टॉपर्ड बाई पॉपुलर मूवमेंट्स जो कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अभी क्या सिचुएशन हो चुकी है तो जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज हैं एंड जो यहाँ पर आर्मी है उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई हो गई है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है फिर ये बताया गया कि यूक्रेन में बच्चों को निकालने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ऑपरेशन गंगा फिर यमन में हम ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं कोवैत से हमने एक लाख साठ हजार लोगों को निकाला था तो इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा अच्छी है नेक्स्ट है लाइसेंस टू किल ये हम देखते हैं ये आर्टिकल किसके बारे में है तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आर्टिकल है कि जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्रोकन है और ये ब्रोकन है जिसकी वजह से जब इनकाउंटर होता है तो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं अब ये क्यों ब्रोकन है और इसको रिफॉर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही तो इसको रिफॉर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न उसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो हमारे बहुत सारे एम एंड एम हैं इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है एंड अगर रिफॉर्म कर दिया गया तो ये जो इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है ये तो कन्विक्ट हो जाएंगे तो ये क्यों ही चाहेंगे कि क्रिमिनल केसेस जो इनके पेंडिंग हो ये बेसिकली एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचें जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है और लोगों को तो जस्टिस चाहिए होती है और लोगों को जस्टिस मिलने का अब उनको एक ही तरीका दिखता है एनकाउंटर करना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना तो नियरडी फोर्टी परसेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द करेंट पार्लियमेंट हैव क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट दैम मोस्ट ऑफ दम इनको वलनरेबल फील ही नहीं होता क्योंकि उनको पता है कि केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते बीस तीस साल लग जाएंगे तो मोस्ट ऑफ देम डो नॉट फील वलनरेबल और थ्रेटन क्योंकि उनको पता है कि ट्रायल को कंक्लूड होने में बहुत ज्यादा ईयर्स लग जाएंगे दे आर नॉट रॉन्ग फॉर एग्जाम्पल पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेइज क्राइम एक्ट की बात की गई है तो एक केस यहाँ पर 2004 में रजिस्टर हुआ था जो कि 2023 में अपने कंक्लूजन तक पहुंचा है मेन पर्पज गवर्नेंस का क्या है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बट इफ द इलेक्टेड जो कि जिनके अगेंस्ट खुद क्रिमिनल केसेज है क्या वो इंटरेस्टेड होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पर प्रॉम्प्ट हो एफिशिएंट हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अतीक अहमद की बात की गई है जो कि पाँच पर कॉन्जिक्यूटिवली इलेक्ट हुआ था टू द असेंबली ऑफ़ यूपी और एक बार पार्लियामेंट पे भी इलेक्ट हुआ था तो ऐसा पर्सन क्यों चाहेगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पर रिफॉर्म हो क्योंकि अगर रिफॉर्म होगा तो वही जेल में चला जाएगा तो इन इंडिया वी हैव दिस क्रिटिकल गैप बिटवीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए क्राइम एंड अगर हम देखें तो लॉजिकल एंड में पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है और जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीस का सहारा लेना पड़ता है एज़ पर द एन सिर्फ पूरे साल में दस हजार चार सौ सोलह केसेज ऑफ मर्डर को डिस्पोज किया गया एंड जो कन्विक्शन रेट था ये भी सिर्फ फोर्टी टू पॉइंट फोर परसेंट था यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एडमिट किया है कि फोर पॉइंट सेवन करोड़ केसेज जो हैं वो यहाँ पर पेंडिंग है और जिसकी वजह से हम देखते हैं इनकाउंटर्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है, उनको भी तो चाहिए होता है ना कि जो केस है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे और उनको पता है कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा तो इसीलिए अब तो यहाँ पर क्रिमिनल्स भी प्रोडक्ट करने लगे हैं कि उनका यहाँ पर इनकाउंटर हो जाएगा और सिटीजन्स भी एंटिसपेट करते हैं कि हाँ यहाँ पर इनकाउंटर होगा तो सिटीजन्स हैव रिकनसल्ट टू अ फेल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और उसके बाद भी वो इलेक्ट करते हैं उन एम और एम के ऊपर जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और साथ ही साथ वो अपलॉट भी करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को तो कोर्ट्स करेक्शन की यहाँ पर जरूरत है तो कैसे कोर्ट्स करेक्शन किया जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत है ज़्यादा कोर्ट्स को बनाने की जरूरत है एनकाउंटर्स को इनक्रेज करने की जरूरत नहीं है जो कि हम अपलॉट कर रहे हैं एनकाउंटर्स को यह हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की जरूरत है अगर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो स्पीडी ट्रायल्स हो सकेंगे ऑनलाइन कोर्ट हेयरिंग्स को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है जो फ्रिक्वेंट एडजॉनमेंट्स होता है इसको कॉटेल करने की जरूरत है कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ जेल इन मिट्स कैन ऑल्सो बी ऑनलाइन एंड रिलीफ पुलिस फ्रॉम स्कॉट ड्यूटीज और इसके अलावा अगर कोई माइनर एलमेंट है तो बेसिकली जो पर्सन कस्टडी में उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है टेली मेडिसिन फैसिलिटीज है उसका इलाज हो सकता है पुलिस ऑफिसर्स नीड टू भी रेगुलरली ट्रेन और उनको बताने की जरूरत है कि ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज होती है तो एनकाउंटर को आपको भी सपोर्ट नहीं करना है फिर ये कहा गया है कि जो यहां पर माफियाज होते हैं डॉन्स होते हैं, जो गूंस होते हैं इनको पॉलिटिकल क्लाउड या पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलती है तो पुलिस ऑफिसर्स भी परेशान हो जाते हैं कि यहां पर कुछ भी करने की कोशिश करो तो कोई आपको पॉलिटिकल लीडर बोल देगा कि नहीं इसको कुछ मत करना तो समिस्पाइज देम एंड शेड नो टीयर्स जब उनका एनकाउंटर हो जाता है तो ये सब है तो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने की जरूरत है नेक्स्ट वेजेस आर राइजिंग ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे इसका रीज़न ये है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जो कि ये बता रहा था कि वेजेस जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन अभी जो ऑथर है उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि एक्चुअली वेजेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो जो क्लेम किया गया था वो क्लेम गलत है तो ये हम नहीं देखेंगे नेक्स्ट फॉर योर आइज एंड मोर ये आर्टिकल किसके बारे में है तो यूएस के यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए अभी कैसे लीक हुए थे तो मैंने शायद आपको बताया था बेसिकली यहाँ पर कुछ ऑनलाइन गेम था और उसमें डिस्कॉर्ड में कुछ चैट चल रही थी उस चैट में एक्चुअली उसने उस डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया था एंड वो पर्सन यहाँ पर इक्कीस बाईस साल का था तो ऑथर का सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इक्कीस साल के पर्सन के पास पहुँच कैसे रहे हैं और उसका रीज़न भी ऑथर ने बताया कि क्यों पहुँच रहे हैं क्योंकि जब नाइन इलेवन अटैक हुआ था तो उससे पहले हर कोई यहाँ पर सिलॉस में काम करता था ठीक है सी को नहीं पता एफ क्या काम कर रही है एफ को नहीं पता सी ए क्या काम कर रहा है बाद में क्या हुआ यहाँ पर कोशिश की गई कि कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए और कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया सबको यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस देने लग गए काम ये जो सब है सिक्योरिटी का ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाने लग गया तो ये कुछ रीजनस है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस में बहुत बार जो हाई इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीक हो रहे हैं तो हाउ कुड सच यंग जूनियर लेवल डिफेंस इंटेलिजेंस एम्प्लॉइज़ इन द यूएस जैसे कि यहाँ पर कोई इक्कीस साल का कोई बाईस साल का को, कोई चौबीस साल का इनके पास टॉप सिक्योरिटी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स पहुँचे कैसे तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि नाइन इलेवन के बाद हमने देखा कि कैसे यूएस का लैंडस्केप चेंज हुआ है तो प्रायर टू द नाइन इलेवन अटैक जो सी आई ए और एफ बी आई है ये सिलॉस में काम करते थे और ये लोग प्रायर इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते थे जिसकी वजह से यहाँ पर क्लामिटी होती है तो नाइन इलेवन के बाद नेशनल कमीशन बनाई जाती है तो नेशनल कमीशन ये कहती है कि बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होनी चाहिए अगर हम इंडिया की बात करें तो सिक्योरिटी क्लियरेंस इन द यू एस उन इंडिविजुअुअल को दे दिया जाता है भले ही उन्होंने जॉब चेंज क्यों ना कर लिया बल्कि इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी जॉब को छोड़ा तो दूसरे दिन से ही आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म हो जाती है तो अनलाइक इन इंडिया सिक्योरिटी क्लियरेंस इन द यू एस इज गिवन टू इंडिविजुअल्स इवन आफ्टर दे हैव चेंज जॉब्स एंड इवन इफ दे आर वर्किंग फॉर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हाँ यहाँ पर प्रियोडिक रिव्यू जरूर किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी को टॉप सीक्रेट लेबल दिया गया तो पाँच साल के बाद रिव्यू किया जाएगा सीक्रेट तो दस साल के बाद कॉन्फिडेंशियल तो पंद्रह साल के बाद लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वाइड स्प्रेड डिस्क्रमिनेशन क्यों हो रहा है उसका रीजन ये है कि यहाँ पर अभी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर की जा रही है तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमारे के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है नेक्स्ट है नो यूनिवर्सल चाइल्ड हुड ये हम डिस्कस करेंगे तो बेसिकली एक मूवी आई थी जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस मूवी में क्या बताया गया था तो बेसिकली एक ट्रू स्टोरी के ऊपर ही मूवी है तो नॉर्वे में एक कपल था एंड जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसज है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों को हाथ से खाना खिलाना बच्चों को अपने पास सुलाना बच्चों को टीका लगाना तो नॉर्वे का मानना ये था कि ये सब कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को ले लिया जाता है फिर यहाँ पर लंबी लड़ाई चलती है वापस से बच्चों की कस्टडी लेने में तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि कल्चरल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है तो रिसेंटली रिलीज फिल्म मिसिस चैटर्जी वस इज नॉट रिमाइंड सज दैट चाइल्ड रेयरिंग इज डीपली रूटेड इन कल्चर तो नॉर्वे का कल्चर यहाँ पर अलग हो सकता है इंडिया का कल्चर यहाँ पर अलग है तो हमारी जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसज है ये भी अलग है तो ईच कल्चर हैज़ इट्स नॉम्स इंड प्रैक्टिसेज फॉर रेजिंग चिल्ड्रन तो जो एक कल्चर में नॉर्मल है हो सकता है कि वो दूसरे कल्चर में नॉर्मल ना हो दूसरा कल्चर उसको डिसअप्रूव करता हो जैसा कि होता है नॉर्वे में द फैक्ट दैट चिल्ड्रन्स राइट को रिकोगनाइज किया जाता है अंडर अ यू एन कन्वेंशन लेकिन यू एन कन्वेंशन ये नहीं बताते कि पेरेंट्स को अपने चाइल्ड को किस तरीके से रियर करना है ये यहाँ पर प्रोसेस हर कंट्री के लिए डिफरेंट हो सकता है तो यू एन कन्वेंशन डज नॉट एम टू इम्पोज अ ग्लोबल फॉर्मेट की यहाँ पर चाइल्ड रेयरिंग कैसी होनी चाहिए ऑल इट इंटेंट्स की बेसिकली यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्टिव कवर देना है इकोनॉमिक हार्डशिप नहीं होनी चाहिए इंटेंस इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए अब्यूज़ नहीं होना चाहिए इसकी बात करता है ना कि यह चाइल्ड रियरिंग का फॉर्मेट बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से चाइल्ड रेयरिंग होनी चाहिए तो स्टोरी बताई गई है इट रिप्रेजेंट्स अ यंग वुमेंस स्ट्रगल अगेंस्ट अ प्रेजस एंड एरोगेंट ब्यूरोक्रेसी एज द स्टोरी एनफोर्स यू रियलाइज दट शी वॉज लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर ऑर्डनरी लाइफ हैज बीन कॉन्कड बाई ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स एंड बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म था अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया था नॉर्वेजियन एम्बेडर के द्वारा जो कि हमने डिस्कस भी किया था जिन्होंने ये कहा था कि नॉर्वे को गलत तरीके से पोर्टर किया गया है इस मूवी में जबकि ऑथर का यह कहना था कि जो यहाँ पर नॉर्वेजियन एम्बेसडर है उनको अपनी गलती माननी चाहिए कि हाँ यहाँ पर कुछ बॉश्डअप हो गई थी सिचुएशन तो न्यूज़ कवरेज ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी हैड डेंट नॉर्वेज इमेज की नॉर्वे को जैसा हम सोचते थे कि नॉर्वे एक बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव कंट्री एक्चुअली ऐसा नहीं है तो फिल्म डीपेंस था डेंट एंड सो डज द एम्बेस्टर्स रिस्पॉन्ड ही एक्सप्रेस्ड सम रिग्रेट ओवर द टेरिबल ऑडियल ऑफ मिसेस चैटर्जी वन माइट द होल एपिसोड एज अ सेडली बॉस्ट केस लेकिन उन वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि नॉर्वे ने ऐसा कुछ किया तो इफ इट कॉन्ट प्रिवेंट कल्चरल प्रेज फ्रॉम हार्मिंग चिल्ड्रन इन अ वेल्दी हाईली एजुकेटेड एप्रेंटली डेवलप्ड कंट्री लाइक नॉर्वे तो और जगह क्या होता हुआ ये तो आप सोच ही सकते हो ये यहाँ पर ऑचर ने बताया है नेक्स्ट हम चलते हैं आगे सुलदान की बात की गई जो कि हम देख चुके हैं

कॉस्ड एंड अप्रोड इन यूरोप ये कहकर कि ये तो सॉवरन नेशंस हैं ही नहीं आगे हम चलते हैं यहाँ पर एक आइलैंड मैंशन है जो कि है कर्माजैक आइलैंड तो न्यूजीलैंड में यहाँ पर अर्थक्क आया जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं India's फर्स्ट वाटर बॉडी census वाई एंड what इट्स इज तो हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं वाटर बॉडी सेंसिस एक बार हम फिर से देख लेते हैं तो कितनी वाटर बॉडी सबसे ज्यादा कहाँ है तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है सेवन पॉइंट सेकंड नंबर पर यूपी में है टू पॉइंट द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पर रिलीज किया है इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस जो कि कॉम्प्रहेंसिव डेटा है पॉन्ड्स का टैंक्स का लेक्स का रिजर्वर्स का सेंसस जो कि 2018 हज़ार में कंडक्ट किया गया तो एनूमरेट किया गया कि मोर देन 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटी तो वॉटर बॉडीज फॉर सेंससस रिपोर्ट कंसिडर्स ऑल नेचुरल और मैनेमेड यूनिट्स लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़ को नहीं कवर किया गया है वो कौन सी हैं तो यहाँ पर सात बताई गई हैं ओशंस एंड लगूनस रिवर्स स्ट्रीम्स स्प्रिंग्स वाटरफॉल्स कैनल्स एटसेट्रा विच आर फ्री फ्लोइंग विदाउट एनी बाउंडेड स्टोरेज ऑफ वाटर स्विमिंग पूल्स कवर्ड वाटर टैंक्स जो कि स्पेसिफिक परपज़ के लिए क्रिएट किए गए हैं वाटर टैंक कंस्ट्रक्टेड बाय फैक्ट्री ओनर फॉर कंजम्शन इसके अलावा टेंप्ररी वाटर बॉडीज जो कि माइनिंग पर्पज के लिए यूज़ की जा रही है या तो पक्का ओपन वाटर टैंक्स जो कि यहाँ पर कैटल के लिए बनाई गई कि कैटल इसमें आकर पानी पी सके तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है नेक्स्ट है अर्मेनियन जीनोसाइड तो बेसिकली अर्मेनिया के लोगों का जेनोसाइड हुआ था क्यों हुआ था वो हम देखेंगे तो ऑटोमैन एम्पायर ने किया था लेकिन जो टर्की है वो इसको जेनोसाइड मानता ही नहीं है तो ऑटोमैन एम्पायर बिगिन राउंडिंग अप अर्मेनियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल लीडर्स इन कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि आज का टर्की का इस्तानबुल है तो अर्मेन जेनोसाइड क्यों शुरू होता है तो बेसिकली ये मोस्टली यहाँ पर क्रिश्चन कम्युनिटी थी एंड क्रिश्चन कम्युनिटी यहाँ पर माइनॉरिटी में थी और ये एक जगह सीमित नहीं थे कुछ यहाँ पर रशिया में थे कुछ यहाँ पर ऑटोमैन में थे तो इन द दे देंचुरी सिंस टर्की हैज़ स्ट्राइडेंटली अपोज कि यहाँ पर जेनोसाइड का यूज़ ना किया जाए यहाँ पर मसाकर का यूज़ ना किया जाए क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो अर्मेनियंस आर एन एशियन पीपल जो कि यहाँ पर डिवाइडेड थे कुछ यहाँ पर रशिया के एम्पायर में रहते थे कुछ यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर में रहते थे इन द ऑटोमन एम्पायर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स अर्मेनियंस यहाँ पर क्रिश्चियन थे काफ़ी अच्छी माइनॉरिटी थे लेकिन ये भी अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे जिसकी वजह से इनके ऊपर हमने देखा कि इनको एग्जाइल में भेजा जाने लग गया इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया इन अगस्त 1914 वर्ल्ड वॉर वन आउट विद द ऑटोमेन एम्पायर एंड रशिया ऑन अपोजिट साइड्स द वॉर ब्रॉड एंटीपैथी टुवर्ड्स वर्ड्स टू टू बॉय स्पेशली एस अर्मेनियंस आर्मी सिंपेथेटिक टू रशिया और उसके बाद अटैक अरेस्ट ये सब शुरू होता है टर्की कहता है ये सब कुछ नहीं हुआ था नेक्स्ट है वाई यूरिया रूल्स इंडिया फार्म्स तो ये बताया गया है कि जो यूरिया की डिमांड है इतनी ज़्यादा कैसे हो रखी है और यूरिया का यूज़ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है तो 2015 में सेंटर मैंडेश करता है कि जो भी यहाँ पर इंडिजीनसली मैनुफेक्चर्ड या इम्पोर्टेड यूरिया है इसको नीम ऑयल से कोट किया जाएगा नीम ऑयल से क्यों कोट किया जाएगा कि इसका डाइवर्जन ना हो सके तो दिस वॉज फॉलोड और जो बैग थे पचास किलोग्राम से उसको पैंतालीस किलोग्राम किए किए गए उसके बाद यहाँ पर लिक्विड नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया बाई द एफ इन सब के बाद भी जो यूरिया का कंजम्पशन है इतना ज़्यादा है तो नन ऑफ द द्स चैकिंग इ लीगल डाइवर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ स्मॉलर बैग्स यहाँ पर किए गए कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना है जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विड नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया लेकिन उसके बाद भी जो सेल्स है ये बहुत ज़्यादा है थर्टी मिलियन टन है इन द फिजकल ईयर जो कि इकत्तीस मार्च दो में एंड हुआ है द फेलियर ऑफ एन बी एस तो न्यूट्रंट बेस्ड सब्सिडी लेकर आए थे लेकिन न्यूट्रंट बेस्ड सब्सिडी यहाँ पर फेल हुई इसका क्या रीज़न है तो अंडर एन बी एस द गवर्नमेंट फिक्स अ पर किलोग्राम सब्सिडी फॉर ईच फर्टिलाइजर न्यूट्रंट कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश सल्फर अब बात यहाँ पर क्यों लेकर आए गए थे कि इसकी वजह से बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन जो है ये प्रोमोट हो और फार्मर्स यहाँ पर डिस्करेज हो बहुत ज़्यादा यूरिया ना लगाएं बहुत ज़्यादा डाप ना लगाएं बहुत ज्यादा म्यूरेट ऑफ पोटाश ना लगाएं तो एन बी एस एक्सपेक्ट किया गया था कि इसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट इनोवेशन होगा और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाएगा लेकिन डेटा ये रिवील कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो फर्टिलाइजर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए प्राइमरी न्यूट्रंट्स की ज़रूरत होती है यहाँ पर क्रॉप्स को सेकेंडरी न्यूट्रंट्स की होती है माइक्रो न्यूट्रंस की होती है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ग्रेन ईल्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर सेमी डोर क्रॉप वेराइटीज़ को यूज़ किया जाने लग गया और जिसमें फ़र्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ तो अगर जो क्रॉप है अगर वो ड्वार्फ है तो इसमें क्या है उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगर यहाँ पर जो ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा फिल्ड भी होगा उसके बाद भी उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि प्लांट ही बहुत छोटा है ठीक है और जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज़ हो जब फर्टिलाइजर का यूज़ हो तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ईल्ड देखने को मिली तो ओवर टाइम दो क्रॉप ईल्ड रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर यूज़ ये यहाँ पर हाफ हो चुका है इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी यहां पर कम हो रही है तो अगर आप यहाँ पर सौ किलोग्राम यूरिया लगा रहे हो तो एक्चुअली यहां पर सौ किलोग्राम यूरिया का यूज़ नहीं हो रहा यूज़ यहाँ पर पैंतीस किलोग्राम यूरिया का ही हो रहा है तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी यहां पर कम हो रही है उसको बढ़ाने की जरूरत है तो यही बात यहाँ पर बताई गई कि नाइट्रोजन यूज एफिशियंसी यहां पर कम हो रही है सो वैन इंडियन फार्मर्स यहाँ पर सौ किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन लगा रहे हैं तो हार्डली यहाँ पर पैंतीस किलोग्राम को यूटिलाइज हो रहा है बाकी सिक्सटी किलोग्राम यहाँ पर प्लांट यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो बाकी पैंसठ किलोग्राम का क्या हो रहा है तो कुछ तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है फिर यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिनरल हो रहा है इनऑर्गेनिक अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और सब्सिक्वेंट क्रॉप उसको यूज कर रहे हैं जो बाकी है तो बाकी का यहाँ पर हाइड्रोलिस हो रहा है और अमोनिया गैस में बनकर एटमोसफेयर में रिलीज हो जा रहा है बाकी का यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन हो जा रहा है तो सल्यूशन क्या है तो सल्यूशन ये है कि पहला ये है कि अगर प्राइस राइज हो रहा है तो प्राइस को राइज होने दो और कंट्रोल सरकार हटा ले तो देर आर टू अप्रोचेज टू कट यूरिया कंजम्शन फर्स्ट इज रेजिंग प्राइजेस जो करंट पॉर्टन एम आर पी है ये पाँच हज़ार छः सौ अट्ठाईस रुपए है यूरिया के लिए और डैप के लिए सत्ताईस हज़ार है और चौतीस हज़ार एम ओ पी के लिए तो अगर एम आर पी यूरिया का इतना कम है तो ऑफकोर्स फार्म यूरिया ही यूज़ करेंगे ना तो बेसिकली जो फोर इस टू टू इस टू वन का रेशियो होना चाहिए एन पी के जो कि नहीं है इंडिया में तो ये तभी हो सकता है जब ये एम आर पी आस पास तो इसको सही करने की ज़रूरत है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि हमें यूरेज और नाइट्रिफिकेशन इन्हेबिटर्स का यूज़ करने की ज़रूरत है तो इसकी वजह से क्या होगा ये जो सॉइल इन्जाइम होता है ये यूरिया के ब्रेक डाउन को कम कर देता है तो अ सॉइल इजाइन दैट ब्रेक्स डाउन यूरिया एंड अमोनियम एंड फर्दर टू अमोनिया जिसकी वजह से नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है तो नैनो यूराज लिमिटेशन इज दैट ये लिक्विड फर्टिलाइजर है तो आप लीव्स के बाद ही इसको यूज़ कर सकते हो आप इसको बेसल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो तो ये इसका एक ड्रॉबैक है जिसको कि रिमूव करने की ज़रूरत है एक आर्टिकल यहाँ पर और था यूरिया को लेकर ये था कि यूरिया फिक्सेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत है तो प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी को लेकर आए थे तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर मैंडेटरी कर देता है कि जो भी यहाँ पर यूरिया है इसकी यहाँ पर नीम कोटिंग की जाएगी और जो पचास किलोग्राम का बैग है उसको पैंतालीस किलोग्राम का किया जाएगा फिर नैनो यूरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द कंट्री जो यूरिया की सेल है लगातार इंक्रीज़ हो रही है उसका एक रीज़न दिया गया उसका रीज़न ये है कि जो एन बी एस है बेस्ड सब्सिडी इससे यूरिया को एक्सक्लूड किया गया है तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ यूरिया ये अनचेंज रहा है पाँच हज़ार छः सौ अट्ठाईस रुपये जो कि हम पहले देख चुके हैं वाइल्ड डीजल पेट्रोल एंड एलपीजी अगर हम इसका देखें तो ये अंडर प्राइज्ड नहीं है लेकिन बाकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर यूरिया को एक पॉलिटिकल हॉट पटेटो की तरह यूज़ किया है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन से पहले तो इस प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा तो देयर कैन ओनली बी वन एडिशन टू द प्रॉब्लम एमआरपी को रेज करो ये आप कैसे कर सकते हो तो एन के अंदर आप ला सकते हो यूरिया को लिंकिंग सब्सिडी टू द न्यूट्रन कंटेंट ऑफ फर्टिलाइजर ये बैड आइडिया नहीं था ये क्यों फेल हो गया न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी तो इसका रीजन ये है कि आपने यूरिया को इससे बाहर रखा था और बाकी फर्टिलाइजर के लिए इसको आपने इंप्लीमेंट किया तो बाई अलाउंग देर एम आर पीजी टू गो अप एंड साइमेंटेनसली आप यूरिया के ऊपर कंट्रोल रखोगे तो जो आपने सोल्यूशन दिया एक्चुअली ये सल्यूशन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो गवर्नमेंट शुड डू वॉट इट हैज़ डन इन अदर फर्टिलाइजर की जो एम आर पी है यूरिया का इसको यहाँ पर डी कंट्रोल कर दिया जाए और फिक्सड पर्टन सब्सिडी यहाँ पर दी जाए ये ऑथर का यहाँ पर सोल्यूशन है आगे हम चलते हैं इकोनमी पेज पर यहाँ पर एक चीता की डेथ हो गई है अभी रीज़न नहीं पता है कि उस चीता की क्यों डेथ हो गई लेकिन अभी ये सोचा जा रहा है कि कुछ चीता को यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ये पता होनी चाहिए लोकेशन और बाकी यहाँ पर मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिज़र्व राजस्थान में है ये तो यहाँ पर इसको कर देना चाहिए कुछ चीता उसको ट्रांसलोकेट ये बात की गई है इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है एक यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है जो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई अभी हमारी थर्टी एथ रैंक हो चुकी है तो थर्टी एथ रैंक हुई है तो कुछ तो हमने किया होगा जिसकी वजह से हमारी रैंक यहाँ पर इंप्रूव हुई है तो पी एम गतिशक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उसके बाद नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो कि दो हज़ार बाईस में लॉन्च की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि हमें अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की जरूरत है और डेवलप कंट्रीज़ के बराबर लाने की जरूरत है एन एआरसीएल एक्वाइट्स ट्वेंटी वन थाउजेंड करोड़ तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपको एन आर सी एल पता होना चाहिए आपको आई डी आर सी एल पता होना चाहिए बेसिकली बैड बैंक है जो कि सरकार ने दो हजार के बजट में अनाउंस किया था कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे तो जब भी यहाँ पर एनपीएस को खरीदा जाता है तो इसको कैसे खरीदा जाता है फिफ्टीन इस टू एटी फाइव के रेशियो में बेसिकली यहाँ पर कैश पे कर दिया जाता है फिफ्टीन परसेंट एंड एटी फाइव परसेंट के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी रिसीट्स दे दी जाती हैं और जो सिक्योरिटी रिसीट्स है इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी गारंटी प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड करी सिक्योरिटी रिसीट्स के ऊपर ये भी आपको याद रखना है तो आई डी आर सी एल एन ए सी एल बैड बैंक है फिफ्टीन इज टू एटी फाइव तो एटी फाइव यहाँ पर सिक्योरिटी रिसीट्स की फॉर्म में दिया जाता है फिफ्टीन जो यहाँ पर दिया जाता है वो कैश कैश की फॉर्म में दिया जाता है बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे